हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज गाड़ी खड़ी हुई है, अभी कोई भी गाड़ी नहीं गई है भाड़े पर। तो अभी नीरज भाई से पूछते हैं कि कहां कहां पर जा रही है गाड़ी। और नीरज भाई क्या कर रहे हो? बस बढ़िया है, गाड़ी के पास साफ कर रहे हैं। कहां जा रहे हो? अब देखते हैं कहां जाएंगे, अभी तो कोई कन्फर्म नहीं है। तो अभी काय काय पे चला रहे हो गाड़ी? काय काय पे चल रही है अभी? मछली, सब्जी, कद्दू सब में चल रही है। अच्छा, सब में चल रही है। मछली कहाँ कहाँ जा रही है? मछली अभी तो गोरखपुर लखनऊ बिहार। गोरखपुर लखनऊ बिहार। अभी देखते हैं दिल्ली के लिए फोन आया क्या है पोजीशन। अच्छा, दिल्ली के लिए भी फोन आया। अभी भाड़ा वाड़ा कैसा क्या चल रहा है? भाड़ा यार इस साल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। अच्छा, कंपटीशन हो गया। नई नई गाड़ी ले रहे हैं ड्राइवर लोग तो। जिसकी नहीं चल रही है तो वो तो किसी भी भाड़े में जाएगा। अच्छा, तो फिर भी रेट क्या चल रहा है अपने छतरपुर में? वही 15 रुपए किलोमीटर। हाई से हाई कितना है? और हो जाता है हाई से हाई 16-17। 16-17 तक हम तो सोच रहे थे हम 18 चलाएंगे इस साल, लेकिन कुछ गाड़ी वालों की वजह से मौसम नहीं बन पाया। अच्छा, कुछ ऐसा बताओ कि जैसे लोगों को जैसे भाड़ा वाड़ा कैसे क्या मिले? अभी जैसे मछली सीजन चल रहा है, जैसे कि ठंडियों में ज्यादा तक भाड़े मिलते हैं। हाँ, मछली की ज्यादा मिलती है। मछली का हो गया, कच्ची सब्जी का हो गया, जो भी अपने नजदीक मंडी हो, मछली की हो, काय की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पे जाए दो चार लोगों से मिलेंगे, जो हमारे नए भाई हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो वहाँ जाए बैठे और एक दिन में कोई नहीं पहचानने लगता, क्योंकि कच्चे माल का काम है, पैसा 90% आता है। हाँ, मतलब गाड़ियों में पैसा आता है, इसलिए वो आपको जैसे पहले भरोसा दिखाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी का काम है, जैसे 4 बजे मंडी है तो 4 से 4:30 और 5 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर माल नहीं बिकेगा उसका, तो वो दूसरे दिन माल कैसे मंगाएगा। मतलब उसमें टाइमिंग का भी बहुत रहता ध्यान, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है उसमें टाइमिंग। अगर आप नए हैं तो 2 लोग लेके चले, अकेले नहीं। अगर जैसे नए हैं तो 2 लोग लेके चले। अच्छा जी, बताओ कि जैसे अभी के टाइम पर जैसे 2024 में जिन भाइयों को गाड़ी लेना है न्यू, तो अभी तो कोई ना ले, 2024 का कोई भरोसा नहीं है। देखो भाई, गाड़ी लेने के लिए किसी को नहीं देंगे सलाह अभी फिलहाल, और जिसको मेहनत करने की दम हो तो वो ले सकता है। क्योंकि गाड़ी बाजी में कोई अब मार्जन नहीं है। तो जैसे कि पुरानी गाड़ी जैसे कि न्यू गाड़ी कुछ बता सकते हैं इसमें कौन सी गाड़ी बेस्ट? पुरानी ज्यादा बेस्ट है न्यू में, क्योंकि नॉलेज नहीं है, जहाँ पे कुछ हो जाएगा वहीं पे खड़े रहोगे यार। मतलब BS4 BS3 गाड़ी बढ़िया है? BS4 BS3 BS6 तो बेकार है। अभी वो अपना हवा वाला किसान है, उसका अपने आप एक्सीलेटर छोड़ देता है BS6 में। हाँ, एजेंसी भी भेजी गाड़ी तो कोई फॉल्ट ही नहीं आ रहा है। एजेंसी वालों को ही पता नहीं है अभी के गाड़ियों में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि BS6 बड़ी दिक्कत ये है कि एजेंसी वालों को खुद ही नहीं समझ में आता कि हो क्या गया इसको। तो अभी काय पे जा रहे हो आज? काय पे जा रहे हो भाड़ी पे? आज देख रहा है बदरक लोड करना रही है यहाँ मिर्जापुर का। मिर्जापुर का? मिर्जापुर का अदरक है। और नई वाली वो अपनी वो पुरानी वो गाड़ी डली थी बनने के लिए एक्सीडेंट वाली, वो गाड़ी थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है। कब तक हो जाएगी रेडी? कब तक हो जाएगी थोड़ा बताओ। हो जाएगी, अब 2-3 दिन और लगेगा, कलर हो गया, फिटिंग होना उसमें। उसका ACM खराब निकल गया, खर्चे बढ़ गए। खर्च धीरे धीरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये वाला है जो लॉक सेट है, ये 8500 का पड़ रहा है अपना इम्बुलाइजर वाला, ठीक है। और ये यही सब महंगे, ACM चला निकला उसका, ACM शॉर्ट है, ब्लॉक में तो छेद था आपने देखा ही था। तो वो ऐसे धीरे धीरे करके काफी खर्चा आ गया उसमें। चलो पूछना। तो इसी तरह में भाई अपनी मनोज वाली गाड़ी है, ये तो इसमें पैसा ही नहीं लगाता एक मनोज पायलट है। एक भी पैसा नहीं लगाता, एक भी पैसा नहीं लगाता, पूरा कबाड़ कबाड़ का सामान भी नहीं के लगाता, पूरा कबाड़ का क्या देखो। देखो देखो, ये है कंडीशन गाड़ी की, देखो ये पूरा सीट देखो, पहले टवेरा की डरी तो ये पूरा देखो, पूरी मतलब बनाई हुई है गाड़ी। आ गया थोड़ी, आ गया, देखो आगे से देखो क्या हाल कर दिया, देखो सुहाना। लखनऊ जाएगा तो इसका चालान तो पक्का है, पक्का है चालान 101%, 101% है। देखो, 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 काम ही नहीं करवाता ये तो बिल्कुल। देखो, देखो, एक इंजन खोल के देखो, इंजन नहीं खोला, बोनट खोलो, बोनट ही नहीं खोलता, बोनट नहीं खोलता, देखो खुल गया, खुल गया, खुल गया, दिखा, नहीं खोला तो जाम है यार, खुल गया, अरे फंस रहा हूँ, लॉक फंस रहा हूँ,
लॉक देखो सही से, ये है मनोज पायलट की गाड़ी। हट गया चद्दर यहाँ लॉक वाला, देखो इमरजेंसी पड़ जाए तो देखो। और पास में फट गया, और पास में देखो देखो ऐसी गाड़ी। एक काम नहीं करवाता, ये जी के रोड लाइन्स ग्रुप में एक ऐसा आदमी जुड़ा पायलट, रद्दी क्वालिटी का आदमी है ये बिल्कुल। ये पूरा कबाड़ का सामान लगाता गाड़ियों में, गाड़ी देखो आगे पीछे ऊपर नीचे। अब सीटों से समझ में आ रहा है कितनी लगती है इस गाड़ी में। कितनी मोटरसाइकिल की, कोई भी फंसा दू, कोई भी फंसा दू, फंसा दू, फंसा दू, एक लगी हुई है, एक लगी है इमरजेंसी सर्विस। स्टार्ट करूं इसका, ये भी रहता है कि अगर कहीं गाड़ी पकड़ ली पुलिस वालों ने, अगर चाबी खींच ली तो दूसरी लगा के आ जाता है, लगा के चल देता है, तो रुकता नहीं है। इसको एक बेनिफिट ये मिल जाता, इमोबिलाइज़ तो कोई खत्म ही नहीं है इसमें कहानी, कोई भी लगाओ चाबी। और ये चलता कहाँ है, चलता कहाँ है, टोटल भर्रा कानपुर जाता है, इसका साहब चालान नहीं होता, हमारी लेके जाता है, चालान करा देता, हम क्या करिए, हम क्या करिए, इससे अगर कुछ पूछो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका जवाब क्या है, हम क्या करिए, सुन हम क्या करिए, हम क्या करिए, गलती मानना नहीं है, तो इसीलिए अब हम अपनी गाड़ी नहीं चलवाते इससे, ये अपने ही चलाता है, ये अपने ही चलाता है, केवल भूसा में चलाता है, ओवर लोड भर के जाता है, और कानपुर जिस दिन इसकी गाड़ी पकड़ेगी नहीं आएगी दोबारा। ये तो अभी है। पकड़ गई थी कानपुर में, 3 महीने खड़ी रही, लाइसेंस हमने अपना लगाया, खुद का लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चाहे जहाँ चलाता, ये स्थिति है इस तरह का। लाइसेंस बनवा लो भाई, क्या जाएगा, क्या करना बन जाएगा, बन जाएगा। बस अपनी वो गाड़ी रखना है अब 2-4 दिन के अंदर, जी वाली गाड़ी रखेगी तैयार, 2-4 दिन में आ जाएगी गाड़ी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल 2-4 दिन में। थोड़ा पैसे की दिक्कत थी, अब हो गई है व्यवस्था। चलो ठीक है, फिर नई गाड़ी का दिखाएंगे, नई गाड़ी का। चलो तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, ठीक है भैया।